ये वीडियो में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करना चाहूँगा। ये वीडियो के टाइटल में जैसे आपने देख लिया कि अगर ये एक चीज़ आप जानते हो तो आप अपने डर को हरा सकते हो आपकी ज़िंदगी में, तो प्लीज़ इस चीज़ को पूरी तरीके से ध्यान से देखना, क्योंकि ये जो वीडियो है ये काफ़ी प्रोडक्टिव वीडियो है। अगर आप इसे ध्यान से देखते हो तो मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी में अगर आपको कभी भी कम्फर्ट जोन तोड़ना होगा तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी एक छोटी सी अपील है कि अगर आपने मुझे अभी तक फेसबुक, इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया पे फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो के डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा और आप हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, सो दैट हमारी ऐसी ही वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे, जिससे आप हमेशा मोटिवेटेड होते रहें अपनी ज़िंदगी में। देखिए, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं, क्योंकि हर इंसान अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुल होना चाहता है, लेकिन उसके लिए कभी भी सक्सेसफुल होने के लिए आपको प्राइस पे करनी होती। तो हर इंसान सक्सेसफुल होना चाहता है, लेकिन कुछ फ़र्क होता है सक्सेसफुल इंसान में जब वो अपनी कंफर्ट जोन को तोड़ते हैं, और कुछ फ़र्क होता है अनसक्सेसफुल इंसान में जब वो अपनी कंफर्ट जोन को तोड़ते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके सामने एक सिचुएशन है, आप हमेशा ऑनलाइन बिज़नेस करना चाहते थे, फ्रीलांसिंग का बिज़नेस करना चाहते थे, लेकिन आपको आपकी मजबूरी की वजह से या आपके फैमिली सिचुएशन की वजह से आज आपको जॉब करनी पड़ रही है। अगर आप चाहते हो कि ऑनलाइन बिज़नेस किया जाए तो आपको ये तो पूरा गारंटी से पता है कि मुझे एक ना एक दिन अपनी ज़िंदगी में अपना कंफर्ट जोन तोड़ना पड़ेगा, सो दैट मैं अपना कंफर्ट जोन तोड़ करके अपना बिज़नेस स्टार्ट करूँ, सो दैट मुझे ये जो जॉब है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है उसमें मेरी पूरी ज़िंदगी नहीं देनी पड़े। लेकिन कई बार कैसे होता है ना दोस्तों, कि जैसे मान लीजिए कि कंफर्ट जोन तोड़ने से पहले जो आप तैयारी करते हो, वो जो डर होता है वो बहुत कम लोग हैंडल कर पाते हैं और इसका रेशियो बहुत कम है। जैसे कि मान लीजिए अगर 1000 लोग अपनी ज़िंदगी में बिज़नेस करना चाहते हैं, उनमें से सिर्फ 20% या 0.02% लोग ही 1000 में से कंफर्ट जोन को तोड़ पाते हैं। उसके पीछे एक रीज़न होता है। कभी भी अगर आप मान लीजिए अपने डर को जीतना चाहते हो तो आपको एक कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना पड़ेगा कि कुछ भी चीज़ पाने के लिए अपनी ज़िंदगी में, जब आप कभी भी कोई भी चीज़ से अटैच नहीं होगे। कंफर्ट जोन तोड़ने वाले दो व्यक्ति होते हैं। पहला जो व्यक्ति होता है वो अपनी जब कंफर्ट जोन को तोड़ता है, यानी कि अपने डर का जब सामना करता है, तो उसके लिए प्रिपरेशन करता है। जब भी आप अपनी ज़िंदगी में किसी भी चीज़ के लिए अटैच नहीं होगे, जैसे कि मान लीजिए आपके पास आज एक अच्छा सा फ़ोन है, आईफोन का 50,000 का, और आपको पता है कि जब मुझे बिज़नेस करना होगा तो मुझे उस चीज़ को खोना पड़ेगा, तो जिस दिन आप उस चीज़ से अटैच नहीं होगे उस दिन आप अपने कंफर्ट जोन को ईजिली तोड़ सकते हो। अगर आप कोई भी चीज़ के पीछे ना अपनी ज़िंदगी में अटैच नहीं होगे, जैसे कि मान लीजिए, जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया कि आपके पास आईफोन है जिसकी वैल्यू 50,000 है, तो अगर आप बिज़नेस कर रहे हो, अगर आप चाहते हो कि ठीक है इससे मैं बहुत प्यार करता हूँ लेकिन मैं आईफोन से ज़्यादा अपने सपनों से प्यार करता हूँ, तो जब मैं अपना जॉब छोड़ दूँगा, जब मेरी फैमिली, मेरे बच्चे, जब मैं पूरी तरीके से बिज़नेस में इन्वॉल्व हो जाऊँगा, जब मेरे पास पैसे नहीं होंगे, जब मेरी सेल जीरो होगी, तो अगर मुझे अपना आईफोन बेचना भी पड़ा तो भी मैं तैयार हूँ। अगर इस तरीके का आपका माइंडसेट है तो कंफर्ट जोन को तोड़ने में आपको काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी कि मैं अपने सपनों के लिए अपना सब कुछ खोने के लिए तैयार हूँ। तो जब आप इस तरीके का माइंडसेट रखते हो तब आप अपने सपनों को ऊपर करते हो, अपने ड्रीम्स को ऊपर करते हो, अपने पर्सनल प्रेफरेंसेस के ऊपर जब आप अपने ड्रीम को कर देते हो तो आपका जो डर होता है वो दूसरों को बाहर से देख करके लगता है कि भाई ये बहुत बड़ा डर है, इसमें बहुत बड़ा रिस्क है, क्योंकि अगर मैंने जॉब छोड़ दी तो जो मेरा पान गुटखा का खर्चा है, जो मेरा चाय पानी का खर्चा है, जो मेरा सिगरेट का खर्चा है, मैं कैसे उठाऊंगा, मैं अपने घर में कैसे पैसे दूंगा। तो लोगों के जो व्यूज़ होते हैं जब आप उस तरीके से अलग करते हो, और वो अलग करने के पीछे एक ही रीज़न होता है कि आप किसी भी चीज़ से अटैच नहीं होते हो। ज़्यादातर लोगों की प्रॉब्लम दोस्तों आज के डेट में यही है कि वो अपनी ज़िंदगी में हर चीज़ से इतना अटैच हो चुके हैं कि वो कभी भी अपनी ज़िंदगी में कंफर्ट जोन तोड़ ही नहीं पाएंगे। उनके लिए सिगरेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनके लिए चाय ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनके सपनों से, राइट? तो दोस्तों अगर आप इस सिचुएशन को ध्यान से देखोगे ना, तो वो जो लोग हैं उन्होंने जो प्रेफरेंसेस दिया है वो सिगरेट को, उनकी जो हैबिट्स है, जो तो मतलब उनका जो विज़न है वो बिल्कुल शॉर्ट टर्म का है, क्योंकि वो शॉर्ट टर्म चीज़ों की तरफ देख रहे हैं कि अगर मैं अपना जॉब छोड़ दूंगा तो मैं ये शॉर्ट टर्म चीज़ नहीं कर पाऊंगा, मैं सिगरेट नहीं पी पाऊंगा, मैं दोस्तों के साथ हैंग आउट नहीं कर पाऊंगा, मैं हर महीने वेकेशन पे नहीं जा पाऊंगा, मैं हर 6 महीने वेकेशन पे नहीं जा पाऊंगा, मैं कपड़े नहीं ले पाऊंगा। ये सब जो विज़न है ना, ये शॉर्ट टर्म विज़न है। अगर आप सच में बिजनेसमैन बनना चाहते हो तो ये विज़न लेकर के आप कभी भी बिजनेसमैन नहीं बन पाओगे। तो आपको ध्यान देना है कि जब भी आपको आपकी कंफर्ट जोन तोड़नी है तो आपको एक लॉन्ग टर्म विज़न देना है। आपको पता है कि अगर मैं जॉब छोड़ूंगा तो मुझे बहुत सारी तकलीफ़ होगी, मेरे फैमिली में बहुत तकलीफ़ होगी, मेरे फैमिली में कुछ लोग बीमार हैं, उनकी दवाइयों का भी खर्चा है, तो उस हिसाब से आप प्लान कीजिए। अगर मान लीजिए, एक प्रैक्टिकल सा मैं आपको प्लान बताता हूँ, अगर मान लो आप सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हो, डिजिटल मार्केटिंग करना चाहते हो,
आपको एकदम क्लियर है कि मुझे जॉब छोड़ करके डिजिटल मार्केटिंग करके डिजिटल मार्केटिंग की फ्रीलांस वेबसाइट पे जाके मैं क्लाइंट लोग को सर्विस दूंगा और उनसे मैं जो भी मुझे पेमेंट मिलेगी उससे मैं मेरा घर चलाऊंगा और इस तरीके से मैं मेरा छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करूंगा अपने लैपटॉप से। जब मैं अच्छे से वो चीज़ करने लगूंगा तो मैं लोगों को कंसल्टिंग दूंगा, मैं अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स को अपनी सर्विस दूंगा और उसको अपना एक बिज़नेस बनाऊंगा। ये चीज़ आपको क्लियर है, लेकिन आपको ये नहीं करना है कि तुरंत से जॉब छोड़ करके आपने 3 महीने का पैसा घर में रखा हुआ है कि अगर मेरे डिजिटल मार्केटिंग का फ्रीलांस नहीं चला तो 3 महीने का पैसा घर में है जिससे हमारा खर्चा चलेगा। ये नहीं करना है आपको। आपको ये करना है कि जॉब के साथ ही साथ आप अपना फ्रीलांस भी करते रहिए और देखिए कि आप जो फ्रीलांस में लोगों को सर्विस दे रहे हैं क्या उससे आपको पैसे मिल रहे हैं, क्या उससे रेगुलर आपको पैसे आ रहे हैं। पहले महीने में देखिए, दूसरे महीने में देखिए, जॉब करते रहिए और वो भी चीज़ करते रहिए। जब आपको 6 महीने लगातार हर महीने कुछ पैसे मिल रहे हैं क्लाइंट से, तब आपके पास जॉब के भी पैसे बन जाते हैं 6 महीने के जो आपने सेविंग की है जॉब से, और फ्रीलांस से भी आपको पैसे बन जाते हैं। तो अभी आपको करना ये है कि अब आप 6 महीने तक जो भी बेसिक से इंटरमीडियरी का चीज़ था डिजिटल मार्केटिंग का फ्रीलांस में, वो आप सीख चुके हो। अब आपको क्या करना है, अब आपको स्ट्रेट अवे कॉल लेना है कि नेक्स्ट 6 महीने मैं आज रिज़ाइन दे रहा हूँ और आज से 6 महीने मैं सिर्फ अपने फ्रीलांस बिजनेस पे ही फोकस करूँगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना कि आपने तुरंत पागलों के जैसे स्टेप नहीं लिया। आपने इस स्टेप को लेने के लिए अपने आप को बताया कि आने वाले 6 महीने के बाद मैं अपनी जॉब छोड़ूंगा, और साथ ही साथ जो आपके पास 6 महीने थे उस 6 महीने में आपने जॉब भी किया और आपने बिजनेस भी किया डिजिटल मार्केटिंग का फ्रीलांस वेबसाइट में, सो दैट आपको सारे प्रैक्टिकल चीज़ें पता चल पाए, आपको सारी चीज़ें पता चल पाए जो आप 6 महीने के बाद स्टेप ले करके जो आप सीखते थे अगले 6 महीने। यहाँ पे आपका समय भी बचा है और आप ये जो 6 महीने आपने जो फ्रीलांस में काम किया है जॉब के साथ, इसमें आप काफ़ी एडवांस हो चुके हो, क्योंकि अब आप जब अपना जॉब छोड़ करके वो काम करोगे तो आप क्लाइंट से ज़्यादा पैसे मांग सकते हो। जैसे कि $10 के बदले आप $15 ले सकते हो, क्योंकि आप क्लाइंट को बता सकते हो कि पिछले 6 महीने मैंने 15 से 20 क्लाइंट को अपनी सर्विस दी है। इस तरीके से आपको अपना डर को हराना है। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना कि जिस दिन आप अपना सब कुछ खोने के लिए तैयार हो जाओगे अपने सपनों के लिए, उस दिन आपको आपका कंफर्ट जोन तोड़ने के लिए कोई भी नहीं रोक पाएगा। अगर इस वीडियो में मैंने आपको सच में वैल्यू दी है तो बिना इस चैनल को सब्सक्राइब किए कहीं मत जाना। मैं जानता हूँ कि जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें जो मैं वॉइस रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उसमें कुछ लोगों के आवाज़ आ जाते हैं, कभी कुत्तों वगैरह के आवाज़ आ जाते हैं, लेकिन ये मजबूरी है दोस्तों। मैं चाहता हूँ कि मैं डेली आपको वीडियो दूँ, ये मेरा कमिटमेंट है खुद से कि मैं आप लोग को डेली सर्विसेज दूँ, लेकिन लॉकडाउन के चक्कर में मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ, इस वजह से ये सारी चीज़ें हो रही है। तो आशा करूँगा आप इस चीज़ को समझ पाएंगे। अगर आपने वीडियो को एंड करने से पहले बताना चाहूँगा, सोशल मीडिया पे मुझे फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मैं हमेशा ऑनलाइन रहता हूँ, पूरे दिन मैं ढेर सारे वीडियोज़ देखता रहता हूँ, तो आप मुझे अगर मैसेज करेंगे तो मैं आपको रिप्लाई दे पाऊँगा। और वीडियो अगर आप चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को हिट कर देना, सो दैट आपको हमारी इस चैनल की हर दिन की वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।